हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ टैली एन जी एस टी में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री कैसे किया जाता है टैली प्रेम में। यदि आप भी मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप में टैली प्रेम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको आएगा लाइसेंस मोड। तो यहाँ पे मेरा एजुकेशनल है, तो मैं एजुकेशनल पे इंटर कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी आ जाएगा, तो स्केप होके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में क्रिएट कंपनी, आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे मैं कंपनी नेम डाल देता हूँ। कंपनी नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है, कंपनी का जो एड्रेस है जहाँ पे कंपनी है। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ फिलअप कर देता हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, हरियाणा जो आपका होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड डाल दीजिएगा और इंटर इंटर करके इसे क्या करना है, फाइनेंशियल एड्स वही रहने देना है और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करिएगा यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन को आप यस नो रखना चाहते हैं उसे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे आना है और टैक्सेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको GST को यस कर लेना है। यस करने के बाद इंटर करना है, इंटर करना है और यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं GST नंबर डाल देता हूँ। तो GST नंबर आप लोगों को पता ही रहता है, 15 डिजिट का रहता है। तो यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। GST नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो ईवे बिल का भी ऑप्शन है, जिसको ऑप्शन को यस करना चाहते हैं यस कर सकते हैं, उसे आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ओपन हो चुका है, कुलदीप भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आप देख रहे हैं नो वाउचर्स इंटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में वाउचर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपका सेल्स वाउचर आ जाएगा आइटम वाइज। और यहाँ पे आपको Alt C से पार्टी का नेम क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पार्टी का नेम क्रिएट कर लेता हूँ, राम ट्रेडर्स। यहाँ पे इसको अंडर में रखना है आपको सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैं माल बेच रहा हूँ, अगर खरीद रहे होंगे तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर में रखिएगा, क्योंकि मैं डेटर बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यस यस कर दीजिए और पार्टी का ड्रेस फिलअप कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे ड्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, हरियाणा का है तो हरियाणा कर लीजिए, अदर कंट्री का है तो अदर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करने के बाद GST नंबर डाल दीजिए। GST नंबर डालने के बाद इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। कंट्रोल ए से सेव करने के बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है और इसे सेव कर देना है। पार्टी डिटेल्स है और यहाँ पे आई नेम ऑफ आइटम का नेम क्रिएट करना है। आपको पता होगा अल्ट सी से क्रिएट होता है, तो यहाँ पे अल्ट सी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, तो यहाँ पे मैं लेडीज जीन्स ले लेता हूँ, जो आइटम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको अंडर में क्या रखना है, मैं प्राइमरी रहने देता हूँ। और यहाँ पे पीस किस चीज़ में बेच रहा है, यूनिट में, तो यहाँ पे मैं पीस क्रिएट कर लेता हूँ अल्ट सी से। और फॉर्मल नेम डाल दीजिए, पीसेस कोड डाल दीजिए, क्वांटिटी, और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स है, सेट एंड स्टैंडर्ड रेट्स, यदि आप स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। मैं इसे नहीं सेट करना चाहता हूं तो उसे नो कर देता हूं। और यहां पे स्टेचरी डिटेल्स है, GST डिटेल्स, तो यहां पे यस कर दीजिए। यहां पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, HSN जो है आइटम का वो डाल दीजिए, टैक्सेबल डाल दीजिए टैक्स लाइबिलिटी में। और यहां पे 12% लग रहा है तो यहां पे मैं 12% डाल देता हूँ और इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर कितना क्वान्टिटी आप बेच रहे हैं वह डालना है, क्वांटिटी डालने के बाद रेट डालना है और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है सेल का, तो यहाँ पे मैं सेल लोकल
12% क्रिएट कर लेता हूँ, जितना भी परसेंट का है। अदर कंट्री है तो अदर कंट्री का क्रिएट कर लीजिएगा IGST। यहाँ पे मैं 12% क्रिएट कर लेता हूँ। इसको अंडर में आप रखना है सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इंटर इंटर करना, और यहाँ पे आपको अप्लीकेबल में यस कर देना, और यहाँ पे लोकल सेल सिलेक्ट कर लेना क्योंकि ये लोकल सेल टैक्सेबल है। और यहाँ पे आपको 12% डाल देना और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल देना और सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे आप, मैं दूसरा आइटम क्रिएट कर लेता हूँ 18% का, अल्टसी से आप क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे जेंट्स जीन्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी में अंडर है, यदि आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। पीसीएस में HSN डाल दीजिए, जो आइटम का HSN है, और इसे इंटर इंटर करके यहाँ पे टैक्स डिटेल में टैक्सेबल कर दीजिए। यहाँ पे 18% डाल दीजिए। 18% डालने के बाद यहाँ पे इसे सेव कर लेना है। कितना क्वांटिटी है वो डाल दीजिए, कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हैं। मैं 50 बेच रहा हूँ, रेट है 2000। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेल लोकल 18% का लेजर क्रिएट कर लीजिए Alt-C से। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेचुरी डिटेल्स को यस कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और 18% डाल देना है। 18% डालने के बाद यहाँ पे टैप ऑफ सप्लाई गुड करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं CGST SGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि ये लोकल है, तो यहाँ पे मैं आउटपुट CGST का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज GST करना है, और यहाँ पे ये सेंट्रल है तो सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। और यहाँ पे Alt-C से SGST का लेजर क्रिएट कर लीजिए, आउटपुट SGST, और इसे भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में रहने दीजिए। GST और SGST है स्टेट टैक्स, यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 9450 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। और यहाँ पे एनालिसिस करके आप यहाँ पे देख भी सक सकते हैं मोर्स डिटेल्स में। और यहाँ पे आपको राम ट्रेडर्स पे इंटर करना है, और यहाँ पे नीचे आना है GST डिटेल्स एनालिसिस पे। एनालिसिस करके यहाँ पे ऑल्ट F1 कर लीजिए। जैसे ही आप Alt-F1 करिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग आइटम पे अलग GST रेट ऑटोमेटिक ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पाके मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, इसे आपको क्या करना है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आना है स्केप करके, और यहाँ पे DAS प्रेस करना है कीबोर्ड पे। यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट पे आ जाइएगा और यहाँ पे Alt-P करिए और करंट प्रीव्यू पे इंटर कीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्फ़िगर प्रीव्यू प्रिंट, तो मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग आइटम पे अलग GST रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में।